अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। भाई जान, आज छोटी सी फरमाइश आ गई है। मेरी जानी, मेरी वाइफ, मेरी बेगम, क्या क्या नाम दूँ इसको तो उसकी फरमाइश है कि आज आप अपने हाथ से जो चिकन पकौड़ा बनाकर खिलाएं, तो मसाला जो मैं लगा कर रख दिया था मैंने, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ी ददर मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला लगा के मैंने इसको रख दिया था। अभी तकरीबन आधा घंटा हो गया, तो अभी ये रेडी है। पहले हम इसको फ्राई कर लेंगे, फिर इसके ऊपर हम बेसन लगाएंगे। तो बैगन की फरमाइश एक और पाकिस्तान में आकर चिकन पकौड़ा की। चलो बनाते हैं आज हम चिकन पकौड़ा। तो मैंने क्या नाम है, चूल्हा जला दिया है और तेल गर्म हो गया है। फिर मैं इसके ऊपर डाल के चेक करता हूँ मैं। ओह कभी कभी बेगम को अपने हाथ से बनाकर खाना चाहिए। ये बेगम का फर्ज नहीं है कि वो आदमी खाए हर टाइम बना बना दे। कभी कभी थोड़ी सी पॉलिश चाहिए होती है चमकाने के लिए। एक मतलब बना दे साल में, वो पूरा साल काम में लगी रहेगी। सही है ना? आप साल में एक मतलब बना खिला दें उसको, वो पूरा साल इसी वहम में लगी रहेगी, खुश फहमी के मेरे बंदे ने मुझे बना खिलाया था तो मैं उसको खिलाती हूँ। उसका कोई फर्ज नहीं है। वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत के साथ आप अपना काम में हाथ बटाया करें, लेकिन हम जिले हैं सही है ना, हम काम को हाथ नहीं करते कि शायद हमारी शान में कुछ फर्क पड़ जाएगा। नहीं, इस्लाम कहता है कि बीवी के साथ अपना अच्छे को अलग रखो पर उसको भी खुश करो। कैसे? कुछ काम करेंगे, किचन में काम करेंगे। उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमको हर टाइम खिलाए बुलाए। नहीं, जी मैं इसको निकाल रहा हूँ बाहर। अब जब फ्राई पूरे हो जाएंगे उसके बाद इसके ऊपर बेसन लगाएंगे। अभी दूसरा धागा डाला है इसमें। जी ये फ्राई हो चुके हैं, तो अभी हम इसके ऊपर बेसन लगाएंगे, फिर इसको दोबारा फ्राई करेंगे। तो ये है हमारा बेसन, इसमें डिप करेंगे। डिप करने के बाद पहले फ्राई करके बाद बेसन लगाने का फायदा ये है कि अंदर से कच्चा नहीं रहता, अंदर फ्राई हो जाता है पूरा, और फिर बाद में ये जो बेसन है वो भी ऊपर से जलता नहीं है। अभी तकरीबन 5 मिनट तक ये हमारे रेडी हैं, फिर हम खाएंगे मजे के साथ।
ऑफिस का जो पासा है वो चेंज करेंगे, उल्ट पलट करेंगे इसको। अभी हमारे जो पीस हैं वो रेडी, इसको निकालते हैं एक एक कर। तो हमारे पास वो पुंदरी नहीं है, चिमटा ही एक निकाल लें। बेगम साहब रेडी हो गए, आजे आजे खा ले। रेडी हो गए, चला के खाते हैं। अभी चलते हैं टेबल पे रखते हैं। तो जो रोटी थी वो बेगम साहब ने पहले बना ली थी, रोटियाँ पकाई हुई थी बेगम साहब ने, रोटी पका देती हूँ आपको। इतनी फेवर करती हैं कि रोटियाँ आपको पका देती हूँ। तो अभी ये रखता हूँ मैं, कैचअप लेके आता हूँ और पेप्सी लेके आता हूँ। तो पेप्सी नहीं, कोक है, एक गिलास पीएंगे हम। तो थोड़ी है एक और कैचअप। तो अभी स्टार्ट करते हैं। बहुत मजे का बेगम साहब, आ जाओ आ जाओ आप जाए। हाँ शर्मा रही है आपसे, इसलिए नहीं आ रहे। आप जाए तो फिर आएगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज, आप जाए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अच्छी और मज़ेदार ब्लॉग आने वाले हैं। जब जब से नई नई वीडियो आएगी तो अच्छे ब्लॉग आएंगे। ये तभी क्या बताऊँ आपको, स्टार्टिंग है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।